ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग जानेंगे भगवान नारायण, भगवान विष्णु का विशेष आराधना कैसे करें, विशेष प्रार्थना कैसे करें भगवान नारायण का। भगवान नारायण बहुत ही दयालु हैं और उनका जो रूप है बहुत ही प्रिय है, बहुत ही अच्छा है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पुष्प और एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए भक्तों का वो हर समय कल्याण करते हैं। भक्तों के ऊपर अपना वो दया हर समय अपना बनाते रहते हैं। वो हर समय विचरण करते रहते हैं हमारे भक्तों को, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं हमारा भक्त कष्ट में तो नहीं है। अगर कोई भक्त उनका कष्ट में होता है तो उनको भी कष्ट होता है। जब आपको कष्ट होगा, आपके जो इष्ट देव हैं उनको भी कष्ट होगा। भगवान नारायण जो है सदैव भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए पूरे संसार में भ्रमण करते रहते हैं, पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते रहते हैं। सृष्टिकर्ता भगवान नारायण हर एक मनुष्य का भला करते हैं, हर एक मनुष्य के ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। और जब तक भगवान नारायण की कृपा किसी मनुष्य के ऊपर नहीं प्राप्त होगा तो जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। भगवान नारायण की कृपा है मनुष्य के ऊपर, तभी मनुष्य अपने जीवन को यापन कर रहा है और धरातल चल रहा है। तो आप लोग भगवान नारायण का कामना करें, उनका आराधना करें, उनको रोज धन्यवाद करें, हे प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, आप धन्य हैं और मैं भी धन्य हूं जो कि मेरे ऊपर आप परम पिता परमात्मा का मेरे ऊपर जो है कृपा है। मेरा परिवार जो है हरा भरा ऐसे सदैव रहे, हमारे परिवार के ऊपर ऐसे भगवत कृपा सदैव बना रहे। तो आप लोग भगवान विष्णु का मैं कुछ मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र से आराधना करें, उस मंत्र से भगवान का स्मरण करें तो भगवान नारायण बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। एक तो जो नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है, हर एक कष्टों से आपको बचाता है। अगर इसको अपने जीवन में धारण कर लिए, जब आपको समय मिले चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए तो आप अपने मन में स्मरण करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप इस मंत्र को अपने मन में धारण कर लिए तो आप अपने जीवन में जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा। बहुत ही चमत्कार है इस मंत्र में और ये कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है, भगवान नारायण का मंत्र है ये। जो नारायण पूरे संसार के स्वामी हैं, पूरे संसार को चलाने वाले हैं, उनका ये मंत्र है। इस मंत्र में इतना शक्ति है, इतना चमत्कार है, केवल आप स्मरण करने से अपने हर एक बाधाओं को आप मिटा सकते हैं, हर बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं। और मैं आपको शुरू में बताया हूं, भगवान नारायण जो उनका भक्ति करता है, जो उनका स्मरण करता है, उसको कभी कष्टमय जीवन व्यतीत नहीं होने देते हैं। और भगवान नारायण जो भी भक्त उनका
नियमित रूप से उनका भजन करता है, स्मरण करता है, आराधना करता है, उनके ऊपर कृपा तो करते ही करते हैं, साथ साथ जो मनुष्य इस जीवन के भवसागर में बधा हुआ है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को अपनाना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु को अपनाना, इस सांसारिक माया से भी उसको छुटकारा प्राप्त कर देते हैं, उसको अपने परम धाम में स्थान दे देते हैं। लेकिन उनका आराधना सच्चे मन से होना चाहिए, उनका भक्ति श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। भगवान कहते हैं केवल एक क्षण भजन करो, मात्र एक सेकेंड हमसे जो है बिल्कुल कनेक्ट हो जाओ, आपका नैया पार हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है आपको 8-8 घंटे बैठने की, कोई जरूरत नहीं है आप पूरे दिन पूजा करो, कोई जरूरत नहीं है, बस अपना मन साफ रखे और भगवान के पूजा के समय आप पूरी सांसारिक मोह माया से परे हो जाए, बस एक क्षण भगवान से कनेक्ट होकर के उस ईश्वर को आप अपने मन में बसा लें, आपका कल्याण हो जाएगा। और भगवान नारायण तो इस जीवन के, इस संसार के मोह माया से भी मुक्ति दिला देते हैं, ऐसे हमारे नारायण हैं। आप लोग उन नारायण का प्रत्येक दिन एक बार धन्यवाद करें, उनका आराधना करें, उनका भजन करें, उनका स्मरण करें। तो मैं मंत्र बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। एक तो हो गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और एक मंत्र मैं और बता देता हूं, सभी लोग प्रेम पूर्वक इस मंत्र का स्मरण करेंगे। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्भ्यानिगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। इस मंत्र से सुबह शाम भगवान नारायण का आवाहन करना चाहिए, इस मंत्र को बोले, अपने मन में भगवान का दर्शन करें, भगवान को प्रणाम करें। हे भगवान, मैं धन्य हूँ जो आपका मैं आज पूजा कर रहा हूँ, आपका कृपा हमारे परिवार के ऊपर प्राप्त है। इस प्रकार से भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। तो आप लोग इस मंत्र को अपने दैनिक दिनचर्या में जब स्मरण करेंगे, इसका जप करेंगे, इस मंत्र से भगवान का ध्यान करेंगे, तो आप लोगों को बहुत ही फल प्राप्त होगा। बहुत ही उत्तम मंत्र है और भगवान नारायण को ये मंत्र बहुत ही प्रिय है। भगवान नारायण को ये मंत्र इतना प्रिय है, केवल इस मंत्र के स्मरण करने से, केवल इस मंत्र का पाठ करने से आप सांसारिक मोह माया से भी मुक्ति पा सकते हैं। भगवान नारायण की कृपा पा सकते हैं आप, और भगवान नारायण का जब कृपा प्राप्त हो जाएगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप उस दिन धन्य हो जाएंगे। तो इस मंत्र से आप भगवान श्री नारायण का स्मरण करें, भगवान का आराधना करें। और हमारे चैनल पे और भी वीडियो पड़े हैं, हम लोग यही प्रयास किए हैं हमारे वीडियो से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो। हम लोग कोशिश किए हैं हमारे वीडियो से
केवल वीडियो देख करके आप लोग उपाय कर सके, पूजा पाठ कर सके। तो आप लोग हमारे इसी चैनल पे और वीडियो देख करके अपने जीवन में उस वीडियो का, उस उपाय का लाभ ले सकते हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। अगर आपको कुछ जानकारी लेना हो, कुछ भी पूछना हो अपने जीवन के बारे में, अपने जन्म पत्री के बारे में, अपने पारिवारिक कलह के बारे में, कारोबार के बारे में, तो आप लोग निसंकोच कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई आप प्रश्न करना चाहते हैं तो आप प्रश्न कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बात करना तो नीचे लिखे गए नंबर पर बात भी कर सकते हैं, अपना जानकारी ले सकते हैं। तो आइए इस वीडियो से हम विदा लेंगे और जल्दी ही इसी तरह का वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने हम लेकर के आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।